फिर देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने खेतों में और यहाँ से तोड़ेंगे ताजी ताजी सेम। तो फिर फटाफट सेम को तोड़ लेते हैं। कड़क कड़क बीजा वाली सेम तोड़नी है, मुलायम नहीं, इस तरह की बीजा। इस तरह से हम फटाफट सेम को तोड़ लेते हैं। बीज है तो हम इस सेम को भी तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम सेम को तोड़ेंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ताजी सेम की सब्जी, न्यू रेसिपी। एक बार देखिएगा जरूर सभी लोग कि हम किस तरह से आज सेम की न्यू ताजी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, हमने इतनी सारी सेम को तोड़ लिया है। आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी सेम हैं इनकी, क्योंकि बहुत ही ताजी रेसिपी बननी है आज हमारी। रहिए कि हम किस तरह से बनाते हैं। पहले हम टमाटर को तोड़ेंगे। क्योंकि ये छोटे वाले टमाटरों से बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनती है, तो इसलिए हम छोटे वाले टमाटरों से ही बनाएंगे। टमाटर लगा हुआ है, देखिए आप लोग दोस्तों कितने प्यारे प्यारे टमाटर हैं। इनकी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो फिर देखिए दोस्तों, हमने तोड़ लिया है, छोटे वाले टमाटरों को लिया है और हरी वाली सेम और धनिया। अब चलते हैं घर पर, आज इनकी बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्जी बनानी है हमको। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक करें आप बाजार से खरीद कर इस तरह के टमाटर हो। तो फिर देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने घर पर टमाटर को लेके। ये छोटे वाले टमाटर लिए हुए हैं हमने, इनकी बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने सेम को भी लिया है, सबसे पहले हम इनको पानी से साफ करेंगे। और अब पानी को तो पानी को भी हमने डाल दिया है और अब इस तरह से साफ करेंगे। इस तरह से हम सेम को निकाल लेते हैं। निकाल लिया है और हम टमाटर को भी निकालेंगे। तो टमाटर को भी हमने साफ कर लिया है और प्लेट में बहुत ही स्वादिष्ट है टमाटर। एक बार छोटे टमाटरों की आप भी घर पर सब्जी को बनाइए, एक बार ट्राई तो कीजिए। अच्छा देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस तरह से सेम को उठाते हैं और अब इस तरह से हम सेम को दोनों साइड से तोड़ के छील लेते हैं। और यहाँ पर यहाँ इस तरह से हम उठाएंगे। सारी सेमों को हम इसी तरह से छीलेंगे जो इतनी सारी सेम ली हुई है हमने, आप लोग देख रहे हैं। तो सब सेमों को हम इसी तरह से छीलेंगे दोनों साइड से। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारी सेमों को छील लिया है और तोड़ लिया है। सारी सेम हमने तोड़ ली है और यहाँ पर टमाटर लिए हुए हैं हमने, इनके छोटे छोटे टमाटरों के इस तरह से डंठल निकाल लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, हमने सारे टमाटर के डंठल तोड़ लिए हैं और इनको रख दिया है यहाँ पर चाकू की मदद से। अब इनको काट लेते हैं फटाफट इस तरह से।
की सब्जी ताजी बननी है, उनके लिए टमाटर को सबसे पहले काटना है आपको। तो सबसे पहले हमको इस तरह से टमाटरों को काटना है। अब तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से हम देसी टमाटर की को काट लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये देसी वाले टमाटर है। जैसे कि हम टमटी बोलें तो आप क्या समझेंगे कि टमटी क्या है, इसलिए हमारे यहाँ इनको टमाटर कम बोलते हैं, टमटी ज़्यादा बोलते हैं। तो हम छोटी देसी टमटी को इस तरह से काट लेते हैं चाकू से। तो फिर देखिए दोस्तों, थोड़े और बचे हैं टमाटर। इस तरह से सारे टमाटर हमने काट लिए हैं, बस थोड़े से और बचे हैं, इनको झटपट काट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गैस को चालू करते हैं। इस तरह से गैस को हमने चालू कर दिया है, थोड़ा कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है और हम डालने जा रहे हैं फटाफट तेल। तो इस तरह से हम तेल को डाल देते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है थोड़े से जीरे, तो जीरे को हम डालते हैं तेल में। तो जीरे को हमने डाल लिया है और थोड़ा जीरे को अच्छे से भूनने देते हैं तेल में। फिर इसके बाद डालेंगे हम सेम, सेम की करेंगे तेल में फ्राई। तो फिर देखिए दोस्तों, जीरे हमारे भुन चुके हैं और अब हम डालने जा रहे हैं सेम। सारी सेम को हमने डाल दिया है और चला के करते हैं सेम की फ्राई। और इसी सेम में डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, जो फ्राई सेम हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इस तरह से डाल देते हैं और अब चला के नमक की और सेम की कर लेते हैं इसी तरह से चला के फ्राई। इन्हीं में डालेंगे हम टमाटर, सेम में टमाटर को भी डालते हैं हम। तो देखिए टमाटर को हम डाल देते हैं इस तरह से। टमाटर को चला के सेम को, टमाटर को चला के पहले तो अच्छे से फ्राई, इनको साथ में अच्छे से भून लेते हैं हम। चलाएंगे हम टमाटरों को जब तक ये बिल्कुल मिक्स ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए, तब तक हम इसी तरह से भून के चलाते रहेंगे। क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देख। तो फिर देखिए दोस्तों, इस तरह से हम चला के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम साथ में सब्जी को भी पका रहे हैं, सेम को, टमाटर को, और यहाँ पर हम मसाले को भी रेडी कर रहे हैं, तो एक साथ दोनों काम कर रहे हैं हम। तो फिर सबसे पहले हमने एक चम्मच मिर्ची को लिया है और एक चम्मच मिर्ची को कटोरी में डाल देते हैं। यहाँ पर हमने धनिया को लिया है, दो चम्मच धनिया को हमने डाला, और हल्दी एक चम्मच हल्दी को, एक चम्मच गरम मसाला पिसा वाला, थोड़ी सी पिसी कश्मीरी मिर्च की मिर्ची को डालेंगे हम। यहाँ पर हमने पानी को लिया है, थोड़ा पानी डालेंगे हम मसाले में और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए। तब तक हम सब्जी को देखते हैं। यहाँ पर सेम की फ्राई चल रही थी। तो फिर देखिए दोस्तों, कितने बढ़िया हमारी सब्जी फ्राई हो चुकी है सेम और टमाटरों की। तो फिर देखिए दोस्तों, सेम की फ्राई हो चुकी है और हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फिर हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस को भी हम चालू करते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, तेल को हम डालते हैं। तेल को हमने डाल दिया। यहाँ पर हमने लहसुन को लिया है
और लहसुन को डालेंगे अब हम। और यहाँ पर हमने खड़े पत्ते लिए हुए हैं गरम मसाले वाले, उनको भी डालेंगे हम, हमने खड़े वाले तो हम उनको भी डालेंगे। और यहाँ पर हमने प्याज को लिया है, साथ में प्याज को भी डालेंगे हम, तो प्याज को भी हम डाल देते हैं, डाल देते हैं हम अपना प्याज की। चलाते हैं तो फ्राई करना है प्याज। तो फिर देखिए दोस्तों, प्याज की हमने अच्छे से फ्राई कर ली है, आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया फ्राई हो चुकी है हमारी प्याज की। और अब हम डालने जा रहे हैं इसमें मसाला, मसाला बना हुआ था उसको डालेंगे, क्योंकि मसाला भी हमारा अच्छे से फूल गया है। तो इस तरह से पहले हम मसाले को चला लेते हैं थोड़ा, और अब हम मसाले को डालते हैं। हमने डाल दिया और मसाले को इस तरह से चला के अब मसाले को अच्छे से हम भून लेते हैं। नमक डालेंगे हम, क्योंकि पहले हमने सैम में डाल दिया था, तो थोड़ा ही नमक डालना है हमको। इस तरह से चला के मसाले को भी अच्छे से हम भून लेते हैं। इसी तरह हमें चला के अच्छे से मसाले को सबसे पहले भूनना है, तो हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, मसाला हमारा भून कर रेडी हो चुका है। और हम इसमें डालेंगे अब जो सेम और टमाटर को हम डाल देते हैं इस तरह से। आज की न्यू रेसिपी हमारी, आज हमने पहली बार इस तरह से सेम को बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसी तरह से बनाएं, क्योंकि जो छोटे वाले टमाटर होते हैं उनको पहले इसी तरह से फ्राई करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले टमाटरों को फ्राई कर लिया था सेम के साथ, और अब हमने डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है हमारी, आप लोग देख रहे हैं कि सब्जी कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो चुकी है। और अब डालने जा रहे हैं हम उसमें हरी धनिया। तो यहाँ पर हरी धनिया को लिया है हमने, और हरी धनिया को हम डाल देते हैं। तो हरी धनिया को हमने डाल दिया है, और हरी धनिया को चला लेते हैं थोड़ा इस तरह से। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और जितना भी हो सके आप लोगों पे उतना शेयर करें, और प्यारे प्यारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भेजें हमारे लिए कि हमने किस तरह से बनाई हुई है और किस तरह से हम बनाएं। तो लेकिन एक बार घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है।